ठीक है, इसको लाके दीजिए कि इसको लेके जाऊं। ना सर स्टेबल करो। अच्छा सर ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए डाउट निकालिए रोटेशन के। सर मैंने अभी के डाउट्स। अच्छा सेंड कर दिए। अच्छा टॉपल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 33। मैं जो बता रहा हूँ पहले उसको देखिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टी इज रोटेटिंग अबाउट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट इट्स सिमेट्री एक्सिस। एक डिस्क है, ये एक डिस्क है, ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टी गिवन है विथ ए कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड
ओमेगा आई Another disk of moment of inertia IB is dropped coaxially on the rotating disk. Initially, the second disk has zero angular speed. Eventually, both disks rotating with a constant angular speed omega F, the energy lost by the initial rotating disk due to friction. Simple, देखिए. इस वाले पे मैंने क्या क्या एक और disk लिया. ये disk लिया. और इसको मैंने इसके ऊपर क्या किया, ड्रॉप कर दी. ठीक है, और ड्रॉप करने के बाद कह रहा है कि जो फाइनल डिस्क बना, एक तो ये पुराने वाला डिस्क था, इसके ऊपर एक और डिस्क आ गया, दोनों रोटेट कर रहे हैं ओमेगा एफ से. ठीक है, तो इस वाले केस में क्या मैं ओमेगा एफ निकाल सकता हूं? Initial angular momentum about the axis of rotation is equal to final angular momentum about the axis of rotation. एक क्वेश्चन कीजिए, याद कीजिए, मैंने करवाया था, मैंने डिस्क लिया था और मैंने कहा था कि इस पे एक आपने स्मॉल मास m को ड्रॉप किया. क्लियर, तो मैंने लिया था यहाँ से स्मूथ सरफेस है, तो स्मूथ सरफेस में ये रोटेट नहीं करेगा, लेकिन अगर फ्रिक्शन होगा तो रोटेट करेगा. एंगुलर मोमेंटम क्या था आपका, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या था, कांस्टेंट. ठीक है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखे एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आई इनटू ओमेगा. इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम. इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आई टी इनटू ओमेगा इनिशियल. ठीक है, और जो सेकंड डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बी दिया हुआ. अब जब मैं इसको पर रख दूंगा तो दोनों एक साथ रोटेट कर रहे होंगे ना. ठीक है, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, आई टी प्लस आई बी. मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी होता है, तो हम लोग डायरेक्ट एड कर सकते हैं. ठीक, इनटू ओमेगा फाइनल, ये एक इक्वेशन बनी मेरी. तो यहां से मैं ओमेगा फाइनल निकाल लूंगा, ये आ गया. ठीक, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बेटा कितनी है, हाफ आई ओमेगा इनिशियल स्क्वायर. यस सर. फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ आई बी प्लस आई टी नेट आई इंटू ओमेगा स्क्वायर. एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस कितना होगा, एनर्जी लॉस इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी. ये एनर्जी लॉस आ जाएगी. यहां से हम लोग पहले वाले इक्वेशन से क्या करेंगे, ओमेगा एस की वैल्यू निकालेंगे. ठीक, ये ओमेगा एस की वैल्यू सेकंड वाली काइनेटिक एनर्जी फाइनल में पुट कर दीजिए, तो उसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, सिंपलीफाई करेंगे, आंसर मिल जाएगा. ठीक है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कॉमन वगैरह लेना पड़ेगा आपको. और यही एनर्जी लॉस है वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन. ये फ्रिक्शन ही तो कर रहे हैं एनर्जी को लॉस. क्लियर है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए, फिर सॉल्व करते रहिए. हो गया. अब देखिए सेकंड फिगर ये दिया हुआ,
एक सॉलिड स्फीयर है, ये रोटेट भी कर रहा है और मूव भी कर रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, एच हाइट ऊपर जाना है, ठीक। तो अगर ये ऊपर जाना है, यहां पे स्मूथ है, ये सरफेस स्मूथ है और ये सरफेस में म्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, यहां तक स्मूथ सरफेस है ये वाला, और इसके बाद ये क्या आ रहा है, यहां पे फ्रिक्शन आ रहा है, ठीक। तो मेरे से पूछा गया फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ बी सो दैट इट क्लाइम्स एच हाइट, V की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि ये ऊपर तक पहुंच जाए, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेंगे? सर वीडियो पॉज हो गई। वीडियो पॉज है क्या? नहीं अभी नॉर्मल हो गई। अच्छा बताइए इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा? हाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, यह हमारा होना चाहिए। तो अगर मेरे को मिनिमम निकालना है, मैंने कहा कि जस्ट ये क्लाइंब करने वाला है यहां तक पहुंच जाए, मैं तो मिनिमम के बारे में बात कर रहा हूं ना, मिनिमम का मतलब क्या है, जस्ट यहां पे पहुंच जाए। अगर जस्ट यहां पे पहुंच रही है इसका मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम गेट्स कन्वर्टेड इन टू पोटेंशियल एनर्जी। मैं जस्ट पोजीशन के बारे में बात करूं कि जस्ट यहां से पहुंचा है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल दोनों पूछा ना यहाँ पे, ठीक है। आई की वैल्यू सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 एम आर स्क्वायर, अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, V upon R, ठीक है। तो आपने क्या किया, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम शुड बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। मैं मिनिमम कंडीशन निकाल रहा हूं, ठीक है, ये मिनिमम कंडीशन है कि पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाए, पोटेंशियल में, ठीक है। तो उस केस में हम लोग यहां से V की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये मिनिमम वैल्यू है। अगर यहां से V मिनिमम मिलेगा तो V की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू V मिनिमम, इसके बराबर या इससे ज्यादा होगी तो ऊपर पहुंची जाएगी। टॉपलिंग वाला थोड़ी देर के बाद बताता हूं, लास्ट में टॉपलिंग बताया नहीं है मैंने क्योंकि नीट में पूछा नहीं गया, ठीक है, अभी बता दूंगा कि कैसे करते हैं टॉपलिंग डिफरेंस। आप लोग पूछे फटाफट पूछे, हाँ कौन सा देखिए एक डिस्क है, इसको मैंने यहां पे हिंज्ड कर दिया, ये डिस्क है, इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे आपने इसको हिंज्ड कर दिया और इसका मास एम है, रेडियस आर है, ये सेंटर है, ये आर डिस्टेंस है, हम्म।
अब इस केस में आपसे पूछा है कि अगर इस पोजीशन पे मैं इसको रिलीज कर दूंगा, इस पोजीशन पे आपने इसको क्या किया, रिलीज कर दिया, रिलीज करूंगा तो कुछ देर के बाद ये कुछ ऐसा आ जाएगा ना, इतना नीचे आ चुका होगा, ठीक है। तो इसने यही पूछा है सेंटर ऑफ मास डिस्क का कहां होता है, सेंटर पे, कुछ देर के बाद ये यहां पे आ चुका होगा, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जब डिस्क थीटा एंगल रोटेट कर जाएगा तो उसका अल्फा कितना होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, कीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, टॉर्क इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा। वीडियो ऑन करके बैठिए प्लीज सभी लोग। क्वेश्चन क्लियर है सभी को, ये डिस्क है, इसको आपने यहाँ पे हिंज कर दिया है और इसको छोड़ दिया, तो ये ऐसे मूव करेगा ना नीचे, तो मेरे से कहा गया कि जब ये थीटा एंगल मूव किया इसने तो उस समय इसका अल्फा कितना था, एंगुलर एक्सेलरेशन। मैं सिर्फ हिंज को देख रहा हूं और किसको देख रहा हूं, सेंटर ऑफ मास, यही है ना सेंटर ऑफ मास, मैंने इसको रिलीज किया, रिलीज करूंगा तो कुछ देर के बाद सेंटर ऑफ मास यहां पहुंच चुका होगा, ठीक है। और ये कितना एंगल रोटेट किया इसने, थीटा, तो मेरे को ये अल्फा निकालना है कि अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अब टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, मेरे को किस पोजीशन पे निकालना है, जब ये इस थीटा एंगल पे पहुंच चुका है उस पोजीशन पे मेरे को निकालना है। तो यहां पे जब थीटा एंगल पे पहुंच चुका है तो इस पे तो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है mg, ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। mg के दो कंपोनेंट, एक mg cos थीटा, एक mg sin थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, f परपेंडिकुलर इनटू r, या सिंपल f इनटू r परपेंडिकुलर, ठीक। तो यहां पे देखिए r कितना है, r तो रेडियस के इक्वल है ना, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो हम लोग टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फोर्स mg cos थीटा इनटू r इज इक्वल टू i इनटू अल्फा, i इनटू अल्फा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको किसके अबाउट निकालना है, हिंज पॉइंट के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इसके अबाउट डिस्क रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, डिस्क में सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो इस हिंज्ड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पैरेलल है ना दोनों, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, icm कितना है, mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस mr स्क्वायर, तो 3 बाय 2 mr स्क्वायर, ये i की वैल्यू पुट कर दीजिए अल्फा आ जाएगा 5/4 mr² बेटा 3/2 mr² आ रहा है, हां ठीक है। क्लियर है, ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। और एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर, अगर ये थीटा 90 डिग्री होता, फिर थीटा 90 होता तो क्या होता, नहीं जो यहाँ पे नीचे आ जाती पूरा ऐसे
फिर एम जी उस पे स्ट्रेट लग रहा होता। हाँ तो आपने मतलब इस थीटा पे अल्फा की वैल्यू जीरो होती। नहीं ये डिस्क तो ऐसे नीचे आ जाना चाहिए था ना, एम जी की वजह से थीटा 90 हो जाना चाहिए था। ठीक है आ जाएगा। तो आपने ऐसे क्यों लिया? अरे ये पूछा गया क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन में यही पूछा है कि डिस्क के थीटा एंगल मूव करेगा तो एंगुलर एक्सीलरेशन कितना होगा। मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिया है, क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है मैं अपनी से मर्जी से लेता तो ये डिस्क क्यों लेता, मैं रॉड नहीं लेता, आसान करता ना मैं तो। ये दोनों पैरेलल हैं तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये एंगल 90 होता तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये एंगल 90 है तो 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा। और कोई डाउट नहीं आप लोगों के पास? मैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर दूंगा। नया आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई डाउट नहीं है, स्टार्ट कर दूंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। पूछिए, टेस्ट का अलग से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? कंबाइंड असाइनमेंट की कई लोगों के पास होगा नहीं तो छोड़ दीजिए। देखिए दो रिंग है, एक का रेडियस r है और दूसरे का रेडियस 4r है। इस वाले का मास स्मॉल n है, तो हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो देखिए ये रिंग है दोनों, ये दोनों रिंग्स हैं। मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास किसका? सिस्टम का। दोनों रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है उस एक्सिस के अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं सेंटर ऑफ मास निकालूंगा कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी। क्वेश्चन में सिर्फ स्मॉलर रिंग का मास दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं, तो क्या मैं बड़े वाले रिंग का मास निकाल सकता हूं? कैसे निकालेंगे? ठीक है, फिर रिंग है, रिंग में वॉल्यूम निकाली 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 जल्दी से। सबसे पहले तो बड़े वाले रिंग के लिए मास निकालिए, बड़े वाले रिंग का मास कितना होगा? सिद्धांत, भावना, नेहा, उज्जवल, गौरव वीडियो ऑन करके बैठिए। देखिए अगर मैं रिंग को देखूं, इसको अगर मैं स्ट्रेट कर दूं तो एक वायर है ना, अगर लॉजिकली सोचिए एक स्ट्रेट वायर है, इसको मैंने ऐसे गोल घुमाया तो रिंग बन गया। ठीक, और ये वायर का शेप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल। ठीक, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? मैं लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए ए है, तो एरिया इंटू लेंथ
यही होगा ना वॉल्यूम, ठीक है। दोनों सेम मटेरियल से बने हुए, इसका मतलब दोनों की डेंसिटी क्या है सेम। इसकी डेंसिटी भी रो है तो इसकी डेंसिटी भी कितनी होगी रो। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो छोटे वाले का मास कितना है, स्मॉल एम। वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इनटू लेंथ। एरिया तो ए है, इस छोटे वाले रिंग की लेंथ कितनी है, 2πr। तो 2π कैपिटल आर इज इक्वल टू, बड़े वाले रिंग के लिए मास आपने कैपिटल एम मान लिया, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, ए। लेकिन इसकी सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2πr, r का मतलब 4r। तो यहां से कैपिटल एम निकल जाएगा, a into 2πr, a into 2πr। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू 4m। अगर मेरे को मास निकालना है तो मैं डेंसिटी से तो निकालता हूँ। यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल हैं हर एक की डेंसिटी डिफाइन की जाती है। लॉजिकली सोचिए, अगर आप लैम्डा पर यूनिट लेंथ लेके करना चाहती वैसे कर लीजिए, तब भी आंसर सेम ही आए। लैम्डा मान लीजिए मास पर यूनिट लेंथ। चलिए ये क्लियर है क्या, आपने कैपिटल एम निकाल लिया। अब मैं यहाँ पे अगर देखूं, इसका सेंटर सी वन है, इसका सेंटर सी टू है, मतलब कि जो छोटा वाला रिंग है इसका सेंटर ऑफ मास सी वन होगा ना, और जो बड़ा वाला रिंग है इसका सेंटर ऑफ मास सी टू होगा। मेरे को तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चाहिए कि कहाँ पे होगा। तो क्या तरीका बताया था, पॉइंट के मास की तरह कंसिडर करेंगे एम कैपिटल एम, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर प्लस फोर आर, फाइव आर। दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस ये है। तो यहां पे आपने मान लिया, मेरे को किसी एक को ओरिजिन पे मानना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, इसको ओरिजिन पे मान लिया। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या आएगी, एक्स इज इक्वल टू अपोजिट वाला मास कैपिटल एन इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय एम प्लस कैपिटल एन, फाइव एम। तो एक्स की वैल्यू आपको पता चलेगी कि सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, कितनी डिस्टेंस पे, 4r डिस्टेंस पे, ठीक है। मेरे को इस पॉइंट के अबाउट क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक। जो बड़ा वाला रिंग है, बड़े वाले रिंग का सेंटर ऑफ मास तो यही है ना, उसका सेंटर ही तो सेंटर ऑफ मास है, ठीक। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर, आर का मतलब 4r², ठीक। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर। तो ये दोनों एक्सिस कैसी हैं, पैरेलल। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट पे निकाल सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। क्या आ जाएगा, ICM, ICM कितना है, एम आर स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, डी कितना है, 4r का होल स्क्वायर। इसके कारण ICM, ICM कितना है, एम आर स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, डी कितना है, ये हो जाएगा जो मेरे को निकालना है। छोटे वाले रिंग के लिए और बड़े वाले रिंग के लिए आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम दो बार लगाई, छोटे वाले रिंग के कारण आपने इस पॉइंट पे निकाला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, और बड़े वाले रिंग के कारण निकाला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। क्लियर है, yes, sir. कौन सा?
अब देखिए एक क्वेश्चन है, आपने कहा दो इंक्लाइंड प्लेन है, ये एच हाइट है, ये एंगल मान लीजिए थीटा वन, और एक और ये एंगल थीटा टू है, ये भी एच हाइट है, लेकिन दोनों का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अलग अलग है। ठीक, तो यहां पे आपसे पूछा एक सिलेंडर या सॉलिड स्फीयर जो भी मान लीजिए, एक सर्कुलर बॉडी है, ठीक है, और इसी हाइट पे सेम हाइट पे आपने सर्कुलर बॉडी रखी, ठीक है, एक बार मैंने यहां से इसको रिलीज किया और एक बार मैंने यहां पे रिलीज किया, तो ये जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी या सिंपल स्पीड, स्पीड क्या होगी, सेम होगी, डिफरेंट होगी, या इस वाले में ज्यादा होगी, इस वाले में कम होगी, इसमें ज्यादा होगी, इसमें कम होगी, क्यों? वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, तो वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, क्यों? यहां पे देखे, मैं सिंपल से बात करूं, कॉन्सेप्ट लगाई एनर्जी कंजर्वेशन का, अगर मैंने इसको यहां से रिलीज किया, जब ये बॉटम उस पॉइंट पे पहुंच रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिक्रीज हो रही है, एमजीएच, यहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिक्रीज हो रही है, एमजीएच, ठीक है, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इन टू काइनेटिक एनर्जी, स्पीड क्या रहेगा दोनों में, सेम, ठीक है, लेकिन मेरे से पूछा गया किसको कम टाइम लगेगा नीचे पहुंचने में, इस वाले केस में, इस वाले केस में, क्यों? निकालिए थीटा की टर्म से, निकालिए टाइम और डिस्टेंस, फाइंड टाइम ऑफ डिसेंट इन टर्म्स ऑफ थीटा, एनर्जी कंजर्वेशन मत कीजिए, ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, इसको पूरा प्रूव कर सकते हैं। आपको दोनों चीजें निकालनी है, स्पीड भी निकालना है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, और आपको टाइम ऑफ डिस्टेंस भी निकालना है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, मतलब कितना पहुंचने में टाइम लगेगा, टाइम ऑफ डिस्टेंस। प्योर रोलिंग हो रही है, कल रोलिंग किया था लास्ट टॉपिक में, तो यही था प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइंड सरफेस, कल आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी निकाली याद कीजिए,
प्योर रोलिंग के केस में जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, क्या निकाला था? mgl cos theta याद आ रहा है, sin theta ये निकाला था ना, ये मैंने लेंथ मान ली थी L, ठीक। तो आपने कहा कि काइनेटिक एनर्जी, ये बोली L1 लेंथ है तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी mg L1 sin थीटा 1 हो जाएगा, और यहां पे अगर हम लोग लिखेंगे ये मान लीजिए L2 लेंथ है तो ये कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी mg L2 sin थीटा। ये है क्या, अरे अगर ध्यान से देखेंगे L1 sin थीटा 1, sin थीटा 1 लगाइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो L1 sin थीटा 1 किसके इक्वल है, और यहां पे L2 sin थीटा 2 किसके इक्वल है, H। तो वही तुम्हें चीज बता रहा था स्टार्टिंग में कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, यही तो हो रहा है, इसलिए दोनों की स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी बॉटम मोस्ट पॉइंट। आया समझ में? अब इसमें दूसरा था हमारा टाइम ऑफ डिसेंट निकालना है कि इसको ऊपर से नीचे तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। ऊपर से नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगा कैसे निकालेंगे, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला वैलिड है ना, S is equal to ut plus half at square, u तो जीरो है क्योंकि रिलीज किया आपने, ठीक। तो यहां पे S की वैल्यू मैं जनरल ले लेता हूं, L लेंथ, इंक्लाइन सरफेस की लेंथ कितनी है L, तो L is equal to half, A की वैल्यू आपने कल निकाली थी, A की वैल्यू कितनी आ रही थी, g sin theta divided by 1 plus x into t square, यही था ना। तो यहां से अगर मैं t की वैल्यू निकालूंगा तो t इज इक्वल टू 2l इंटू 1 प्लस x डिवाइडेड बाई g साइन थीटा अंडर रूट, यहां पे l कांस्टेंट है इसके लिए जो भी, ठीक। यहां पे l अपॉन साइन थीटा कुछ आएगा क्या, देखिए साइन थीटा और एल दो दो वेरिएबल है, दोनों में एल और साइन थीटा अलग अलग है, इसको मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी मैं रिजल्ट बता सकता हूं कि हाँ फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है। यहां पे साइन थीटा मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई साइन थीटा आ जाएगा, ये वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। तो देखिए t इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 l की जगह h अपॉन साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस x। तो ये देखिए 2h 1 प्लस x डिवाइडेड बाय g अंडर रूट 1 अपॉन साइन थीटा, ये t आ रहा है। अंडर रूट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं वो कांस्टेंट हैं, तो टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू छोटी होगी तो साइन थीटा की वैल्यू छोटी होगी। अगर इन दोनों केस में देखूं थीटा टू इज लेस देन थीटा वन तो टी टू इज ग्रेटर देन टी वन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा उसको नीचे आने में। इसको ऐसे फॉर्मूले के रूप में याद रखिए, अगर बाय चांस क्वेश्चन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते।
और कोई डाउट? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, इसके मिड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड। तो आपको ये दिया हुआ है कि रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। देखो क्वेश्चन में ये गिवन है i1, मेरे से कहा गया इस रॉड को मैंने बेंट किया और एक रिंग बना दिया, बना सकता हूं ना, इस रॉड को मैंने बेंट किया और एक रिंग बना दिया, तो यहां पे कह रहा है I2 is the moment of inertia. I2 is the moment of inertia of the ring about an axis perpendicular to the plane of ring and passing through center formed by bending the rod. मैंने कहा इस रॉड से मैंने रिंग बनाया और इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, ठीक है, तो मेरे को पता है ना I2 क्या होता है, mr स्क्वायर, ठीक है, मास तो चेंज नहीं होने वाला ना दोनों केस में, रॉड से ही मैंने रिंग बनाया, ठीक, तो मेरे से पूछा गया है I1 अपॉन I2 क्या होगा, निकाल सकता हूं क्या? यहां पे इसकी टोटल सर्कमफेरेंस कितना है, 2πr, 2πr किसके इक्वल होगा, एल के इक्वल, तो यहां से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, l डिवाइडेड बाई 2π, ये यहां पे पुट कर दीजिए तो I1 अपॉन I2 निकल जाएगा। क्लियर है? नोट कर लिया? यस। चलिए देखिए लास्ट टॉपिक टॉपलिंग बता देता हूं, इसके चांसेस बहुत कम है क्वेश्चन आने की, लेकिन पूछा है डाउट तो ही बता ही देता हूं टॉपलिंग का मतलब क्या होता है। मान लीजिए एक क्यूब है, ये क्यूब है जिसकी साइड ए है, ठीक, आपने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया, सिंपल एनएलएम को याद कीजिए, अगर सिंपल एक ब्लॉक रखा होता और मैं इधर की तरफ फोर्स अप्लाई करता तो फ्रिक्शन कहां लगता, पीछे की तरफ, तो मैंने कहा कि फ्रिक्शन यहां लग रहा है, एमजी सेंटर ऑफ मास से लगेगा नीचे की तरफ, नॉर्मल ये लगेगा, अभी मैं एफबीडी के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे अगर ध्यान से देखिए, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या है, लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, इसका मतलब ये स्लाइड नहीं कर सकता, एनएलएम को याद कीजिए,
अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कम है तो जो बॉडी होगी वो रेस्ट पोजीशन पे होगी, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की यहाँ से वैल्यू कितनी है, म्यू एन, एन की वैल्यू कितनी है mg। हम लोग इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं कि अगर अप्लाइड फोर्स म्यू mg से छोटा है, इसका मतलब ब्लॉक जो है आपका वो रेस्ट पोजीशन पे होगा, ठीक है। एक एग्जांपल लें, जैसे कि मैंने कहा कि एक बॉटल है या जो भी रॉड है, इस पे आपने इस वाले पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया, तो ये बॉटल क्या करेगा, लीनियरली मूव करेगा, ठीक। अगर मैं इसी बॉटल पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करूं तो ये क्या करेगा, रोटेट करके नीचे गिर जाएगा, यही होगा ना, ठीक। तो इसी को कहते हैं टॉपलिंग। ये जो सेकंड केस आपने लिया कि मैंने इस वाले पॉइंट पे फोर्स लगाया तो ये क्या कर, टॉपल कर गया, ठीक है। इसी फिनोमेनन को हम लोग कहते हैं टॉपलिंग, ठीक। अब हम लोग आते हैं यहां पर, तो टॉपलिंग का मतलब समझ में आ रहा है कि टॉपलिंग होता क्या, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा है। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा है, इसका मतलब स्लाइड नहीं करेगा, रेस्ट पे रहेगा, ठीक। याद कीजिए, अगर हम लोग बात करें कोई भी ब्लॉक है तो इस पे दो फोर्स लगते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स, एक नॉर्मल और एक फ्रिक्शन, ठीक है। ये जो फ्रिक्शन है, सिंपल कॉन्टेक्ट फोर्स को थोड़ा सा और अच्छे बेहतर तरीके से समझिए। कॉन्टेक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है कि जब दो सरफेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में, ठीक है, अगर एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है तब कॉन्टेक्ट फोर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक। तो मैंने कहा कि दो बॉडी आपस में कॉन्टेक्ट में ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, तो ग्राउंड कॉन्टेक्ट फोर्स कौन कौन सा लगा रहा होगा, एक फ्रिक्शन लगा रहा है, एक नॉर्मल लगा रहा है, ठीक है। ये दो फोर्सेस लगा रहा है ग्राउंड बॉडी के ऊपर, ठीक। तो कॉन्टेक्ट फोर्स को अगर हम लोग सिग्निफाई करें तो इसका मतलब क्या, कॉन्टेक्ट फोर्स का मतलब है कि कॉन्टेक्ट फोर्स ये चाहता है कि सरफेस के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमेशा साथ में रहें। वर्डिंग को पकड़िए, वर्डिंग को, कॉन्टेक्ट फोर्स, कॉन्टेक्ट मतलब कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है हमेशा साथ में रहे, तभी तो कॉन्टेक्ट फोर्स ही चाहेगा ना, क्योंकि जब दो बॉडी कॉन्टेक्ट में है तभी कॉन्टेक्ट फोर्स आ रहे हैं, नॉर्मल और फ्रिक्शन। तो मैंने इसको दूसरे सेंस में कहा कि मैंने ये कहा कि जो कॉन्टेक्ट फोर्स है वो ये चाहता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमेशा साथ में रहे। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। तो कॉन्टेक्ट फोर्स में यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस हैं, एक नॉर्मल है और एक फ्रिक्शन है, ठीक। फ्रिक्शन क्या करता है, अब देखिए एक एक करके दोनों को समझेंगे तब मेरे को टॉपलिंग समझ आएगी, ठीक है। मैंने कहा फ्रिक्शन तो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, अगर मैं फोर्स लगा लूं, कोई ब्लॉक रखा होगा, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन ग्राउंड इधर लगाएगा ताकि ये ब्लॉक मूव ना करे, ठीक है। तो मैंने अप्लाई फोर्स अप्लाई किया, ठीक, मैंने फोर्स अप्लाई किया, ग्राउंड ने फ्रिक्शन लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन ने अपना काम कर दिया, इसने कहा कि मैं तो ब्लॉक को मूव नहीं करने दे रहा, मेरा काम खत्म हो गया, ठीक है। जो फ्रिक्शन का काम था उसने अपना काम कर दिया, उसने टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया और जो भी अप्लाइड फोर्स था उसको स्लाइडिंग से बचा दिया कि स्लाइड ना करे। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन जब मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया किसी एच हाइट पे, ये सेंटर ऑफ मास है, ध्यान से देखिएगा, इस वाले फ्रिक्शन के कारण जो टॉर्क मिलेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट एफ इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, किस डायरेक्शन में ये बॉडी को रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स इसको इधर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। जो फोर्स आपने इधर अप्लाई किया है, फोर्स इस डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही, ठीक है, ये वाला फोर्स भी इस बॉडी को किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इसी डायरेक्शन में ना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये फ्रिक्शन भी इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करना चाहता है और जो अप्लाइड फोर्स है वो भी इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहता है, ठीक।
दोनों इसको रोटेट कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो बॉडी अगर को टॉर्क मिल रहा है कॉन्टेक्ट फोर्स से, फ्रिक्शन अपने काम कर दिया, लेकिन इसने देखा कि इधर तो टॉर्क मिलने लगा सेंटर ऑफ मास के बाद, टॉर्क मिलने लगा तो फ्रिक्शन भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये बॉडी ऐसी हो जाएगी। लॉजिकली सोचिए, ठीक है, अगर मैं टॉर्क मिल रहा है तो बॉडी ऐसी हो जाएगी, अगर ये बॉडी ऐसे हो रही है तो इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ये छूट गया। सर COM, सर COM टॉर्क कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? अरे गुरु पहले ध्यान से सुना कीजिए, मैंने कहा फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है अबाउट द सेंटर ऑफ मास, मैंने ये तो नहीं कहा कि सेंटर ऑफ मास प्रोवाइड कर रहा है। प्लीज कंसंट्रेट कीजिए मेरी बॉडी पे, अपने मन से कुछ अलग से कंबाइन मत करिए, सर किसान लगता है या भूल गए इसलिए मैं इसको थोड़ा जोड़ देता हूँ, ठीक है, जो बोलो उसको ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि जो फ्रिक्शन है सेंटर ऑफ मास के बहुत टॉर्क इस डायरेक्शन में लगा है, ये जो अप्लाइड फोर्स है ये भी इसी डायरेक्शन में इसको रोटेट कर रहा, तो दोनों के कारण ये जो बॉडी है ये ऐसे ऊपर उठे, तो कॉन्टेक्ट छूट गया, कॉन्टेक्ट छूट गया तो कॉन्टेक्ट फोर्स क्या चाहता है कि कॉन्टेक्ट हमेशा रहे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का सरफेस हमेशा कॉन्टेक्ट में रहे, ठीक है, तो कॉन्टेक्ट फोर्स कौन कौन से थे, फ्रिक्शन और नॉर्मल, ठीक है, फ्रिक्शन एक का मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को तो स्लाइडिंग से बचाना था, मैंने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, इसके अलावा मेरे बस की अब वो टॉप प्रोवाइडर जो हो जाए देखो उससे कोई नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ स्लाइडिंग से बचाऊंगा, ठीक है, तो फ्रिक्शन कहेगा मैं कुछ नहीं कर सकता, अब बचा नॉर्मल, वो कहेगा मैं कुछ कर सकता हूँ इस टॉप को अपोज करने के, नॉर्मल अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, नहीं आ रहा नॉर्मल, मान लीजिए इस पोजीशन पे आ गया, यहां आ गया नॉर्मल, शिफ्ट करके अपनी पोजीशन, नॉर्मल अपनी पोजीशन से शिफ्ट किया, मैंने कहा एक्स डिस्टेंस शिफ्ट किया, ठीक, अगर ये एक्स डिस्टेंस शिफ्ट करेगा तो अब ध्यान से सुनिए इसके अबाउट कि किस डायरेक्शन में टॉर्क देगा, अपोजिट, ठीक है, फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स बॉडी को इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे थे, लेकिन नॉर्मल ने क्या कि अपने आप को शिफ्ट किया और इसने अपोजिट डायरेक्शन में दे दिया टॉर्क ताकि इन दोनों को बैलेंस कर सके, आया समझ में, तो इसने टॉपलिंग से बचा दिया, नहीं तो लॉजिकली सोचिए अगर कोई भी बॉडी होती यहां पे फ्रिक्शन भी लग रहा, मैंने अप्लाइड फोर्स किया, फोर्स अप्लाई किया ना, अभी भी रेस्ट पोजीशन पे कोई टॉर्क नहीं है, ठीक है, और ना ही कहीं पे मूवमेंट हो रहा है, नो स्लाइडिंग, मैंने फोर्स अप्लाई किया अभी भी रेस्ट पे है, अभी भी कोई टॉर्क प्रोवाइड नहीं हुआ क्योंकि रेस्ट पोजीशन पे है, टॉपलिंग नहीं किया, लेकिन फोर्स तो अप्लाई कर रहा हूं ना, इस समय तो मैंने फोर्स अप्लाई किया, अभी नॉर्मल लग रहा होगा सेंटर से, ठीक है, जैसे मैंने फोर्स अप्लाई किया नॉर्मल अपनी पोजीशन शिफ्ट करेगा, वो कहेगा किसके कारण तो मेरे को टॉर्क मिल रहा है, मेरे को इसको बैलेंस करना पड़ेगा, अगर नॉर्मल इसको बैलेंस नहीं करा होगा तो मेरे छूते ही गिर जाना चाहिए, मेरे टच करते ही ये तुरंत टॉपल कर देना चाहिए, थोड़ा सा लॉजिकली सोच के देखिए कि अगर जब मैंने इसमें कोई भी फोर्स प्रोवाइड नहीं किया था रेस्ट पोजीशन पे था ना, लेकिन अगर मैंने थोड़ा सा भी फोर्स प्रोवाइड किया तो टॉपल कर देना चाहिए, अगर टॉपल नहीं करा इसका मतलब नॉर्मल अपनी पोजीशन को शिफ्ट करेगा, क्योंकि कॉन्टेक्ट फोर्स हमेशा चाहता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमेशा साथ में रहे, फ्रिक्शन ने अपना काम तो कर दिया, बोला कि मैं तो स्लाइडिंग से बचाऊंगा, अब नॉर्मल बोलेगा कि मैं अपनी पोजीशन को शिफ्ट करूंगा ताकि जो भी मेरे को नेट टॉर्क मिल रहा है उसको अपोज कर सकूं, नहीं आया, आ गया, ठीक, तो मैं क्या कहूंगा नेट टॉर्क शुड बी इक्वल टू जीरो क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो फ्रिक्शन के कारण टॉर्क कितना मिला, F into perpendicular distance, ये perpendicular distance कितनी है A by 2 क्योंकि साइड A है, ठीक, तो F into A by 2 plus applied force के कारण मेरे को टॉर्क कितना मिला, ये हाइट आपकी H थी, तो ये वाली हाइट कितनी होगी, टोटल A माइनस H करेंगे तो ये आ जाएगा, H माइनस ए बाई टू, ठीक है, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल,
नॉर्मल के कारण टॉर्क, ठीक है। हमारी कंडीशन क्या है, अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। याद कीजिए बिल्कुल स्टार्टिंग की फ्रिक्शन की क्लासेस को, मैंने कहा था कि अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा है तो फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के इक्वल होती है ना, बॉडी डस्ट पे है वो तो सेल्फ एडजस्टिंग की नेचर है ना स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहां पे एफ की वैल्यू किसके इक्वल है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल। तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो एफ इंटू ए बाई टू प्लस एफ इंटू एच माइनस एफ इंटू ए बाई टू और एन की वैल्यू क्या है एम जी इंटू एक्स, तो एफ ए बाई टू एफ ए बाई टू, तो यहां से एक्स की वैल्यू आ गई एफ एच डिवाइडेड बाई एम जी। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ए बाई टू मैक्सिमम नॉर्मल यहां पर जा सकता है ना, ये क्यूब के बाहर सुने चला जाएगा नॉर्मल, ठीक है। मतलब कि एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है ए बाई टू, तो मतलब कि एक्स शुड बी लेस देन ए बाई टू। तो यहां से अप्लाइड फोर्स कितना आ जाएगा, अप्लाइड फोर्स अगर हम लोग देखें एफ लेस देन एम जी ए डिवाइडेड बाई टू एच, जब तक अप्लाइड फोर्स एम जी ए डिवाइडेड बाई टू एच के इक्वल होगा तब तक टॉपलिंग नहीं होगा। अगर इसको एक्सीड कर गया तो टॉपल कर जाएगा बॉडी, आए समझ में, इतना काफी है, वो क्वेश्चन हो जाएगा जो आपने पूछा था टॉपलिंग का, यही कॉन्सेप्ट लगाना है, नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए थोड़ा सा नॉर्मल को और अच्छे से एक बार समझें। एक्चुअल में जो कॉन्टेक्ट सरफेस होते हैं वो जिगजैग होते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो। अभी आपको नजर आ रहा है कि टाइल्स पे मैंने कोई ब्लॉक रखा वो तो बिल्कुल स्मूथ है, स्मूथ नहीं है, माइक्रोस्कोपिक लेवल में कर्व्ड पाथ होता है, इरेगुलर शेप होता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि इरेगुलर शेप है आपकी ये बॉडी आपने ग्राउंड पे रखी है तो इरेगुलर शेप है, ये ऐसे है, ठीक। तो मैं अगर कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में बात करूं तो आपने कहा कि कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब कि जो नॉर्मल है इसके परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे जहां जहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होंगे वो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्मॉल नॉर्मल लग रहा होगा, यही तो पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। अब इस बॉडी पे नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है एम जी, ठीक है, ग्राउंड जो इस पे ग्रेविटेशन पुल लगा रहा है, ठीक है, और कॉन्टेक्ट फोर्स के कारण छोटा नॉर्मल ये सब आ रहे हैं, ठीक। अगर सिर्फ और सिर्फ एमजी लगता तो ये बॉडी तो अर्थ में पेनेट्रेट हो जाती ना, लेकिन अर्थ में पेनेट्रेट होती नहीं है, तो ये जितने भी स्मॉल नॉर्मल हैं इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होना चाहिए, एमजी के इक्वल, और इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपवर्ड, जो हम लोगों ने एलएनएम में पढ़ा था वो इसको बैलेंस कर रहा होगा। और दूसरा नॉर्मल दो काम करता है, नॉर्मल का मैग्नीट्यूड जब तक बॉडी रेस्ट पे है नॉर्मल का मैग्नीट्यूड mg के इक्वल होता है, नॉर्मल अपनी पोजीशन को इस हिसाब से एडजस्ट करता है ताकि बॉडी टॉपल ना करे, ठीक है, यही है टॉपिक, इतना काफी है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है टॉपलिंग, लेकिन नीट में कभी आया नहीं इससे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और आप लोगों ने तो रोटेशन में कोई डाउट ही नहीं पूछा, जो सबसे टिपिकल चैप्टर था उसमें एक ही दो डाउट ही है, गुड, बहुत अच्छे। अभी हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कल से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंडे तक इसको बाइंड अप कर दूंगा। कम से कम अब मैकेनिक्स खत्म हो गया है, जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सके आप लोगों के लिए अच्छा होगा, रोटेशन खत्म हो चुका है आपका, अब क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आगे वाले फिजिक्स में कम से कम मार्क्स आए, नहीं तो हर एक चैप्टर ऐसे ही छोड़ते जाएंगे तो नीट इस बार भी रह जाएगा, अगले साल फिर से प्रिपरेशन करेंगे, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आराम से अगर
मेरे साथ साथ भी चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं, जितना टॉपिक पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन आज के दिन ही कंप्लीट कीजिए, तब आप आराम से कर लेंगे। मैकेनिज्म भूल जाइए कुछ दिनों तक, सोचिए कि मैकेनिज्म फिजिक्स का पार्ट है ही नहीं। मैकेनिज्म को फिर लास्ट में देखिएगा जब पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी, अब उसमें मैं थोड़ी सी मेहनत करूंगा, ठीक है। अभी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैकेनिक्स में अगर मेहनत करने लगेंगे तो पूरी फिजिक्स गायब हो जाएगी। मैकेनिक्स को 36 मार्क्स का आएगा मैक्सिमम, 8-9 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं आते, ठीक है। तो 36 नंबर के लिए अपने 144 नंबर क्यों क्यों खराब कर रहे हैं? 144 नंबर है अभी आपके हाथ में और उसके लिए पूरी फिजिक्स बची हुई है। तो मैकेनिक्स जितना कर लिया अच्छी बात है, रोज थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहिए, ठीक है। उसके बाद जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर मैकेनिक्स की अपनी सेल्फ स्टडी जैसा करना चाहते हैं कर लीजिए, और कोई डाउट हो तो उसके बाद पूछेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, ठीक है। कल से हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टी और सॉलिड अभी नहीं कराऊंगा, सबसे लास्ट में, क्योंकि नीट में कभी नहीं है, उसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद फ्लूइड, उसके बाद SHM, वेव, वेव ऑप्टिक, ये अभी टारगेट है, ठीक है। थैंक यू सर।